इंडियन स्टेट उत्तर प्रदेश और यहाँ का शहर कानपुर, जिसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, टेक्सटाइल सिटी, ऐसे काफी सारे नामों से जाना जाता है कानपुर। कानपुर बहुत सारी चीजों के लिए मशहूर है। हिस्टोरिकली कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। कानपुर के इतिहास से लेके कानपुर की आज के दौर तक बहुत कुछ बदल चुका है। कानपुर आज के समय में एक मॉडर्न रैपिडली ग्रोइंग सिटी है, जहाँ पे सब कुछ मौजूद है। कानपुर की वाइब्रेंट नाइट लाइफ से शुरू करके IIT कानपुर तक, कानपुर मेट्रो से लेके कानपुर रेलवे स्टेशन तक, हाई राइज स्काईलाइन से लेके मेट्रो मल्टीप्लेक्स तक, कानपुर की ग्रीन पार्क से लेके इंडस्ट्री हब तक, कानपुर की खाने से लेकर कानपुर के लोगों की खुशियां तक, कानपुर अपने आप में एक प्यारा सा शहर है, जहाँ पे लोग कानपुर को लेकर गर्व महसूस करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवदूत यूट्यूब। मैं हूं आपका होस्ट देवदूत, और आज के वीडियो में हम लोग वर्चुअल एक्सप्लोर करेंगे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कानपुर शहर को, और जानेंगे कानपुर शहर के बारे में ऐसे कुछ अननोन फैक्ट्स जो शायद आपको नहीं पता। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। कानपुर उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर और उत्तर प्रदेश का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। कानपुर शहर का कुल मेट्रोपॉलिटन एरिया है 407.3 किलोमीटर। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश एंड उर्दू बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं। कानपुर शहर का टोटल पॉपुलेशन 3 मिलियन से ज्यादा है। कानपुर की रिलीजन की बात करें तो हिंदू यहाँ पे 82.78%, मुस्लिम 15.73%, क्रिश्चियन 0.34% है। दोस्तों, कानपुर शहर पहले से बिल्कुल बदल चुका है, एक अर्बन मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में सामने आया है। यहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, मेट्रो कनेक्टिविटी, मॉल मल्टीप्लेक्स, ग्रीन पार्क, एयरपोर्ट, सब कुछ शामिल है। इंडिया में अर्बन सिटी रैंक पे 12th नंबर पर है, जो कानपुर को एक इम्पोर्टेंट सिटी बनाता है। दोस्तों, कानपुर शहर का नाम बहन करता है काना मतलब कृष्णा से, और शहर का नाम कान्हा से कानपुर मिला है। इससे कानपुर शहर की इतिहास और संस्कृति का परिचय मिलता है। कानपुर IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एक पब्लिक इंस्टीट्यूट है, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित होती है। पूरे देश से काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। पूरे विश्व में कानपुर को द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहाँ के लार्ज टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के लिए, जो ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था। कानपुर एक इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड कॉमर्शियल सेंटर है नॉर्थ इंडिया का। अगर कानपुर की GDP की तरफ हम देखें तो शहर का सालाना नॉमिनल GDP है 6.2 बिलियन USD। दोस्तों, कानपुर का एक सच जानकर आप चौंक सकते हैं। कानपुर के ज्यादातर लोग मिडिल क्लास यानी मध्यम वर्ग के लोग ही है शहर में। फिर भी सबसे ज्यादा सरकार को टैक्स पे करने वाला लोग कानपुर शहर से ही है पूरे उत्तर प्रदेश में, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। चलिए शहर के एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। कानपुर की छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी पूरे एशिया महादेश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है। यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किया जाता है प्रोफेशनल एंड एकेडमिक कोर्सेज, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लॉ, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन मैनेजमेंट एंड मेडिसिन स्टडी। इसके अलावा भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है, जैसे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कानपुर में शिक्षित लोगों की हार है 82.42%। दोस्तों, कानपुर की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ पे बस, ऑटोस, मेट्रो, टैक्सी जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। कानपुर में एयरपोर्ट भी है, जो इंडियन आर्मी द्वारा कंट्रोल होती है। यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी उड़ान भरती है। कानपुर सेंट्रल, कानपुर रेलवे स्टेशन है, ये इंडिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, जहाँ से रोजाना 300 से भी ज्यादा ट्रेन पास होती है। कानपुर मेट्रो कानपुर का एक इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट बन चुका है। कानपुर मेट्रो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जिसे 2021 में ऑपरेशनल किया गया था। कानपुर में अभी कुल 2 लाइन पर मेट्रो चल रही है, ऑरेंज लाइन एंड ब्लू लाइन। यहाँ पे कुल 17 मेट्रो स्टेशन है, जो 18 किलोमीटर कॉरिडोर को कवर करता है। स्ट्रीट फूड ऑफ कानपुर। दोस्तों, कानपुर में बहुत सारे टेस्टी स्ट्रीट फूड्स मिलती हैं, जिसे आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें कानपुर के ज्यादातर लोग जो खाते हैं, पानी पूरी, छोले भटूरे, समोसा चाट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबाब्स, बिरयानी, पापड़ी चाट एक्सेट्रा। कल्चर एंड फेस्टिवल ऑफ कानपुर। कानपुर में ज्यादातर लोग हिंदी भाषी है। यहाँ पे होली, दिवाली, ईद, शिवरात्रि, जन्माष्टमी जैसे फेस्टिवल्स को लोग भरपूर आनंद लेते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कानपुर। कानपुर में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, जैसे कानपुर जियोलॉजिकल पार्क से लेके JK टेम्पल तक, ग्रीन पार्क से लेके इस्कॉन टेम्पल तक, नाना राव पार्क से लेके मेमोरियल चर्च तक, मोती झील से लेके जेड स्क्वायर मॉल तक, ब्लू वर्ल्ड पार्क से लेके कमला रिट्रीट तक, ये इंदौर के खास प्लेसेस है। दोस्तों, क्या आपने कानपुर विजिट किया है कभी? कानपुर की कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? कानपुर की स्टोरी को कमेंट पर हम सबसे जरूर शेयर करें।
आई होप कानपुर की वर्चुअल टूर आपको पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो समझ पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।